खाते पीते हंसते मुस्कुराते हुए मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड चलिए आज हम लोग पालक की पूरी बनाएंगे, कचौड़ी जिसे कचौड़ी भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए हमने पालक को धो के अच्छे से कट कर लिया है और रफली इसे कट किया है। तो चलिए अब इसे हम लोग थोड़ा सा बॉयल करेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं बॉयल करना है। तो थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और इसे ढक कर 2 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। तो चलिए फ्रेंड हम लोग 2 मिनट बाद मिलते हैं, इसे कुक कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम आटे में मिक्स करेंगे। तो अलग से हमने निकाल लिया, उसे ठंडा कर लेते हैं। और आटे में देखिए हमने मंगरेल, ये अजवाइन ऐड किया है और थोड़ा सा मंगरेल, ये दोनों ऐड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा हम 2 से 3 चम्मच के करीब में दही यूज करेंगे। तो दही से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा दही भी ऐड कर लेते हैं। और आटा को लगाते समय हम इसमें पानी का यूज नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो थोड़ा सा हम लोग यूज कर लेंगे, नहीं तो ये इतने में ही सब परफेक्ट हो जाता है। दही हो गया और ये पालक, इसमें भी पानी होता है। तो इसे आटा को चलिए लगा के फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए आटा तैयार हो चुका है बिल्कुल सॉफ्ट। अब इसे हम ढक के 10 मिनट तक रखेंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट बाद हम छोटी छोटी लोइयां कट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। ये देखिए हमने छोटी छोटी लोइयां कट कर लिया है, अब इसे हम लोग रोल करेंगे। तो रोल हमें बहुत मोटा नहीं करना है, बहुत पतला भी नहीं करना है। देखिए इतना तक आपको रोल करना है, इतने मोटा रखना है। तो बाकी सब भी हम लोग रोल कर लेते हैं। तो देखिए सारी हम लोग कचौड़ी को रोल कर लिया, अब इसे तलेंगे। तलने के लिए हमने रिफाइंड ऑयल का यहाँ पर यूज किया है। तो ये देखिए हम तल रहे हैं और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे भी नहीं तलना है और हाई फ्लेम पे भी नहीं, लो फ्लेम पे तलेंगे तो ऑयल ज़्यादा इसमें सोख लेगा, और हाई फ्लेम पे कर देंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से कुक हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत प्यारा कलर आ रहा है इसका। तो कलर चेंज होने तक आप इसको कलर ब्राउन कलर में ही करके, गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर निकालिए, बहुत अच्छा कलर लगता है देखने में भी और खाने में का तो बात ही अलग है। तो ये देखिए फ्रेंड बनके रेडी हो चुका है। फ्रेंड अगर पसंद आया इस तरह का कचौड़ी तो आप भी बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।